हेलो, बड़े होके वीडियोस देखना ये वाली। ओह भाई, ही डजंट लाइक माय वीडियोस। मुझे लगता है ये गली मनहूस है यार, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हाँ जी, तो क्या हाल है सब लोगों का? यार आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक घर देखने जा रहा हूँ लीज़ के ऊपर लेने के लिए। तो ये घर हम बेसिकली छोड़ रहे हैं, 2 महीने में यहाँ पे रहा हूँ, और बड़ा मज़ेदार घर था, बड़ा अच्छा घर था यार ये, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अभी दिखाता हूँ ये घर, थोड़ा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे, और ये बेसिकली दोनों कमरे ऊपर थे, और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर था, व्यू बहुत खूबसूरत था, हमसाए बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे। तो अब सीन कुछ यूँ है यहाँ पे कि जब आप घर देखने जाते हो या घर आपने लेना होता है लीज़ के ऊपर, तो आप पहले से उसकी बुकिंग करवाते हो कि आप पर्टिकुलर टाइम पे आओगे, और उस वक्त एजेंट आता है और वो आपको घर दिखाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अकेले ही हो वहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो घर के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप घर देखते हो, घर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करके उनको वहाँ पे बता देते हो, प्राइस थोड़ी सी निगोशिएट करते हो, या जो भी आपने प्राइस देनी होती है वो प्राइस आप दे देते हो उनको। तो अगर घर के ओनर को आपकी प्राइस ठीक लगती है, क्योंकि वो आपकी पे स्लिप्स भी ले रहा होता है और साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर रहा होता है, तो वो आपको घर दे देता है, नहीं तो फिर सर्च दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो चलो यार, चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है घर का। मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस घर को लेने की एक खास वजह है, वो वजह आगे जाके वीडियो में पता चलेगी। यार ये वाला यूनिट है और यहाँ पर घर देखना है, देखता हूँ क्या सीन है। मुझे लगता है ये मेरा ही वेट कर रहे हैं। नंबर 6 इज द वन दैट इज फ्री, सो माय फ्रेंड इज लिविंग इन नंबर 5। श्योर, थैंक यू। ओह, हे इज गॉड। तो भाई ये यूनिट जो है, ये भट्टी साहब के साथ वाला यूनिट है। So we have Wi-Fi as well. NBN. NBN perfect. Perfect. All right. ये है भाई का बड़ा छोटा सा किचन अंदर। मेन रोड है ना, ये बहुत शोर करेगी यहाँ पे, लेकिन व्यू अच्छा है यार। तो यूं है भाई सीन के, ये 2 कमरे हैं, और यहाँ वाला ये कमरा और यहाँ वाला ये कमरा, इन दोनों छोटे से कमरे हैं यार। और ये है बाहर वाला, यहाँ पे बैठ के सूटा शूटा मारने के लिए। यार व्यू तो अच्छा है यहाँ से। वो जो सामने वाले यूनिट है ना, वहाँ पे मैं पिछले साल रहता था अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया, 1 साल के लिए स्टक हो गया। आई एम मैरिड एक्चुअली, बट माई वाइफ इज नॉट हियर। या शी इज ओवरसीज। यार बस ठीक ही है यार, भट्टी की वजह से ले रहे हैं, बतना तो कोई, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना खास, ना कबर्ड्स है ना कोई चक्कर है। एंड व्हाट इज द मिनिमम लीज टाइम? 6 months. 6 months. Rent to reference? Yeah. Income? Yeah. Documentation? I need Tennessee ledger. No worries. Who's your agent? Mister? Say bye bye. Mister. All right. No, thank you so much. I'm like a taxi driver. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Wo kahan pe? Parking kahan pe? Adjacent to me. Adjacent? Yeah, next. IELTS ki taiyari kar rahe hai. 8 each liye, naughty. Acha ye wala hai. ठीक है, ठीक है। यार सीन ये है बॉस के ना, हम तो यही चाह रहे हैं कि हम सिर्फ तेरे साथ चलो रह लें कल को। यार कबर्ड्स भी नहीं है इसके अंदर, है ना? कबर्ड तो हमारे पास नहीं है, हमने पोर्टेबल रखी
यार बात ये है कि मुझे कोई इतने अच्छे तो नहीं लगे यूनिट, लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ भट्टी रह रहा है यहाँ पे, और भट्टी और मेरी दोस्ती तो फिर काफ़ी पुरानी है, हम स्कूल फेलोज हैं बेसिकली। तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं ले लूँ फिर, फॉर द टाइम बीइंग 6 मंथ्स की लीज़ है, और उसके बाद फिर देखूँगा क्या सीन बनते हैं। भट्टी साहब आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया? ऑलमोस्ट 10 मंथ्स। और आपके हमसाए कैसे हैं, नेबर्स कैसे हैं? ऑल गुड, वेरी गुड। स्पेशली दिस वन। और आप हमें कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो आओगे पता नहीं क्या बनता है। ये भट्टी साहब अपने लेटर बॉक्स चेक कर रहे हैं। $50 का आ गया तो। वाह भाई वाह, मुबारक हो। और अगर आप पैसे इनको ना दो तो क्या नहीं होगा डिपॉजिट? पैसे नहीं दोगे तो क्या पैसे वापस नहीं आएंगे तो भट्टी। चलो भट्टी साहब, होपफुली वी विल बिकम नेबर्स। ठीक है, मैं इसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता हूँ, फिर जो भी सीन बनते हैं ना उसके लिहाज से देख। ठीक है, ओके। तो भाई ये सीन है, अब जितना भी रेंट होता है ना, आपने थोड़ा सा इनसे निगोशिएट ज़रूर करना होता है, क्योंकि आजकल सिडनी के वैसे भी हालात काफ़ी ख़राब हैं रेंट के लिहाज से। ये यूनिट पिछले 2 महीने से खाली पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये $30-40 ज़रूर छोड़ेगा। तो अब सीन ये है कि मैं इसको जाके ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाऊँगा साथ में, और साथ में अपनी पे स्लिप्स लगाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे 1-2 दिन में रिप्लाई बैक कर देंगे थोड़ा सा निगोशिएशन के बाद। ये सारा प्रोसेस है, जो लोग आ रहे हैं वो भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, और होपफुली आपको मिल भी सकते हैं। अगर कोई यूनिट वगैरह देख, कमरा वगैरह देखना है सॉरी, तो कमरे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो इसी तरह से। और 2 वीक का बॉन्ड होता है और 2 वीक का रेंट होता है, लेकिन जब आप यूनिट ख़रीदते हो तो फिर 4 वीक का बॉन्ड और 2 वीक का रेंट आपको एडवांस में देना होता है। ये सारा प्रोसेस है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाओ। टिल दैट, पीस।